Hello children, in this video we will do list operations. What are the different operations that we can perform on list? First we have concatenation, right? Second, repetition, membership, testing, slicing and indefinite. So we will do them one by one. So first we have concatenation.

जैसे क्या करते हैं कंबाइंड करते हैं राइट right? और कंबाइंड से, से करते हैं कॉन कैटेटर की हेल्प से करते हैं राइट और यहाँ पे कॉन कैटेनेशन ऑपरेटर क्या है प्लस प्लस ऑपरेटर इज कॉल्ड एज कॉन कैटनेशन ऑपरेटर कॉन कैटनेशन होता क्या है कौन कैटेनेशन होता है ज्वाइनिंग ठीक है, ज्वाइनिंग ऑफ लिस्ट और ज्वाइनिंग ऑफ से समझते हैं list concatenation using plus operator adding string list. यहां पे हमने दो फर्स्ट लिस्ट वन ठीक है list, list one, जिसके दो एलिमेंट है लर्न एंड पाइथन फाइन सेकेंड हमने ली लिस्ट टू जिसका एलिमेंट है प्रोग्रामिंग ओके नाउ लिस्ट थ्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लिस्ट वन प्लस लिस्ट टू ओके ना यू कैन सी हिस्ट लिस्ट वन प्लस लिस्ट टू ओके जब आप लिस्ट थ्री को प्रिंट करोगे हमने क्या किया लिस्ट वन को प्लस किया है कौन कैटेट किया है लिस्ट टू से ओके okay? तो यहाँ पे दोनों की ज्वाइनिंग होगी तो अब देखो लिस्ट वन क्या है आपका लर्न पाइथन और उसके साथ क्या ज्वाइन हो गया आपका प्रोग्रामिंग दैट इज लिस्ट टू ओके सो इज़ सिंपली द ज्वाइनिंग ऑफ द लिस्ट ओके तो यहाँ पे हमने क्या किया इस एग्जाम्पल में टू स्ट्रिंग लिस्ट को ज्वाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ योर कॉन्केटनेशन ऑपरेटर डेट इज प्लस फाइन नाउ वी विल सी दिस सेकेंड एग्जाम्पल लिस्ट कॉन्टिनेशन यूजिंग प्लस ऑपरेटर लिस्ट हमने इससे पहले वाले एग्जाम्पल में स्ट्रिंग लिस्ट को ज्वाइन किया था यहां पर हम इंटीजर लिस्ट को ज्वाइन करेंगे नाउ लिस्ट वन दिस इज लिस्ट वन वन टू थ्री फोर फाइव ओके लिस्ट टू सिक्स सेवन एट नाइन एंड लिस्ट थ्री दैट इज टेन ट्वेंटी ओके तो हमने क्या किया लिस्ट फोर इज इक्वल टू लिस्ट वन प्लस लिस्ट टू प्लस लिस्ट थ्री राइट क्या है इन सब का कॉन्टेनेशन करने के बाद आपको मिलेगी मींस ज्वाइनिंग ऑफ लिस्ट वन लिस्ट टू एंड लिस्ट थ्री ओके एंड द लास्ट कमांड इज प्रिंट लिस्ट फोर तो हमने लिस्ट फोर को प्रिंट करा दिया नाउ यू कैन सी यहाँ पे कैसे आपका रिजल्ट आया है आपके लिस्ट वन ठीक है 1, 2, 3, 4, 5. ये आपकी लिस्ट वन थी ओके okay? देन आपका सिक्स सेवन एट नाइन आपका लिस्ट टू था ओके okay? देन आपका टेन ट्वेंटी लिस्ट थ्री ओके तो यहाँ पे क्या हुआ तीनों लिस्ट की क्या हो गई है ज्वाइनिंग हो गई है सो कौन कैटेनेशन इज वॉट इट इज ज्वाइनिंग राइट और अगर आप इसमें अगर आप लिस्ट फोर को अगर आप ऐसे करते लिस्ट टू प्लस लिस्ट थ्री देन लिस्ट वन तो यहाँ पे क्या होता है पहले लिस्ट टू के एलिमेंट्स आते देन देन लिस्ट 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 के 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 आते then list 1 के आते तो जिस ऑर्डर में आप ज्वाइन करते हो उसी ऑर्डर में आपका रिजल्ट आता है राइट अगर आपने लिस्ट टू पहले दिया होता और लिस्ट वन बाद में दिया होता तो पहले लिस्ट टू के एलिमेंट्स आते फिर लिस्ट वन के एलिमेंट्स आते फिर लिस्ट थ्री के एलिमेंट्स आते तो जिस ऑर्डर में आप ज्वाइन करते हो उसी ऑर्डर में आपका कॉन्केटिनेशन होता है राइट एलिमेंट ऑफ सेकेंड लिस्ट एंड थर्ड लिस्ट एंड सो ऑन तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है वो यही कह रहा है जिस ऑर्डर में आप ज्वाइन करोगे लिस्ट को कॉन्ट करोगे उसी ऑर्डर में उसके एलिमेंट्स अपियर होंगे राइट right? प्लस ऑपरेटर वेन यूज रिक्वायर्स डेट बॉड द ऑपरेश मस्ट बी ऑफ लिस्ट टेक अब वट इट इज टेलिंग यू आपको क्या बता रहा है कि जब आप प्लस ऑपरेटर का यूज करते हो ठीक है तो आप जितने भी ऑपरेन्ट्स लोगे ओके ऑपरेंट्स क्या होता है ए जो आप ज्वाइन कर रहे हो ओके okay? तो क्या होना चाहिए उनका टाइप क्या होना चाहिए लिस्ट टाइप होना चाहिए वी कैन नॉट एड अ नंबर और एनी अदर वैल्यू टू अ लिस्ट ऐसा नहीं है कि हमने एक लिस्ट ले ली उसके साथ उसको एड कर दिया या किसी और वैल्यू को ऐड कर दिया राइट right? अगर आप ज्वाइन करें तो लिस्ट को लिस्ट से ही ज्वाइन करोगे यहाँ पे आप एग्जाम्पल में आप देखेंगे हमने एक लिस्ट वन ली जिसके एलिमेंट्स हैं ब्लू एंड ग्रीन फाइन अब लिस्ट वन इज इक्वल टू लिस्ट वन प्लस रेड अब रेड यहाँ पे क्या है रेड भी एक लिस्ट है जिसमें एक एलिमेंट है अब लिस्ट की आइडेंटिफिकेशन uh, क्या होती है हम लिस्ट एलिमेंट को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखते हैं ठीक है स्क्वायर ब्रैकेट में होते हैं ओके okay. अगर मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं तो दे आर सेपरेटेड बाय कोमा तो यहाँ पे हमारा रेड क्या है लिस्ट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है तो लिस्ट वन के साथ हमने एक लिस्ट और ज्वाइन कर दी तो अब देखो अब लिस्ट वन में क्या हो गया ब्लू ग्रीन एंड रेड रेड भी ज्वाइन हो गया राइट right? अब आपने नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल अब यहाँ पे हमने क्या था? किया था फर्स्ट एग्जांपल में लिस्ट के साथ लिस्ट को ज्वाइन किया था फाइन सेकेंड एग्जाम्पल में वॉट यू आर डूइंग आप क्या कर रहे हो लिस्ट वन के साथ आपने क्या किया स्ट्रिंग वैल्यू को ज्वाइन किया येलो ओके okay? तो आपकी कंडीशन क्या है आपकी कंडीशन ये है कि बोथ द ऑपरेंट्स मस्ट बी ऑफ लिस्ट टाइप जब आप कॉन्केट कर रहे हो तो दोनों की दोनों या जितने भी आप लिस्ट जितने भी आप ऑपरेंट्स ले रहे हो ठीक है वो क्या होने चाहिए लिस्ट टाइप होने चाहिए कोई डिफरेंट टाइप नहीं होना चाहिए उनका राइट तभी अदरवाइज क्या होगा एरर अब यहाँ क्या क्या? साथ येलो येलो क्या एक स्ट्रिंग है स्ट्रिंग को ज्वाइन करने की कोशिश की तो आप यहाँ पे देखोगे आपका क्या आया है एरर आया है टाइप एरर कैन ओनली कॉन कैटेनेट लिस्ट नॉट स्ट्रिंग टू द लिस्ट क्या बोल रहा है कि आप सिर्फ लिस्ट को लिस्ट से कौन कैटेनेट कर सकते हो स्ट्रिंग को लिस्ट से नहीं कर सकते हो ऐसे ही हम इसका एक सेकेंड uh, एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे हमने लिस्ट ली लिस्ट वन टेन ट्वेंटी एंड थर्टी ओके ओके अब लिस्ट वन प्लस फोर्टी अब फोर्टी क्या है यहाँ पे लिस्ट है जिसमें एक एलिमेंट है फोर्टी ओके लिस्ट वन में अंदर एक और लिस्ट ज्वाइन की है जिसका एलिमेंट है, तो है ये क्या है ओके है, okay, जब आप लिस्ट वन को प्रिंट कराओगे तो आपके एलिमेंट्स क्या है टेन ट्वेंटी थर्टी एंड फोर्टी तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में हमने क्या किया लिस्ट को लिस्ट से कॉन कैटेनेट कराया राइट right? ज्वाइन कराया ओके okay? अब सेकेंड एग्जाम्पल में आप देखोगे लिस्ट वन इज इक्वल टू List 50. अब हम यहां पे क्या करें एक इंटीजर है उसको हम लिस्ट वन से ज्वाइन करें ओके एंड आई टोल्ड यू आप लिस्ट लिस्ट को ही से कॉन कैटेनेट करोगे कोई दूसरा ऑपरेंट नहीं लोगे किस, किसी और डेटा टाइप का ऑपरेंट आपको नहीं लेना है तो यहाँ पे क्या हुआ आपका एरर आ जाएगा यू कैन सी टाइप एरर कैन ओनली कॉन कैटेनेट लिस्ट टू लिस्ट Not in teaser, okay? क्या बोल रहे हैं आप लिस्ट को लिस्ट से ही ज्वाइन कर सकते हो कॉन कैटोनेट कर सकते हो इन टीजर को लिस्ट से आप कॉन कैटोनेट नहीं करोगे फाइन सो so, अब हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है रिपीटिंग और रेप्लीकेटिंग लिस्ट राइट List को रिपीट करना या रेप्लीकेट करना ओके लाइक स्ट्रिंग्स वी कैन यूज मल्टीप्लाई और एस्टे रिस्क ऑपरेटर टू रेप्लीकेट अ लिस्ट फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स अब रिपीट क्या करना होता है एक ही वैल्यू को बार 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 रिपीट करना ओके okay? उसको हम रेप्लीकेशन भी कहते हैं तो जो फीचर हमारे पास स्ट्रिंग में है ओके okay? जहां पे हम स्ट्रिंग ये सेम हम फीचर फंक्शन ऑपरेशन स्ट्रिंग में भी यूज करते हैं ओके तो सेम वी आर यूजिंग हेयर वी आर यूजिंग द मल्टीप्लाई ऑपरेटर ठीक है जब हमें कौन कैटिनेट करना था हमने प्लस ऑपरेटर यूज किया था अब हमें क्या करना है रेप्लीकेशन करना है तो हमने कौन सा ऑपरेटर यूज किया है हमने मल्टीप्लाई ऑपरेटर यूज किया है ठीक है टू रेप्लीकेटर लिस्ट फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स जितने टाइम्स हमें एक लिस्ट को रेप्लीकेट करना है उसकी जितनी टाइम्स कॉपी बनानी है फाइन अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे हमने रिपीटिंग अ लिस्ट लिस्ट वन लिया ओके ये हमारी लिस्ट वन है टेन ट्वेंटी थर्टी ओके नाउ हमने नेक्स्ट कमांड किया दिया प्रिंट लिस्ट वन इनटू और यू कैन से मल्टीप्लाई थ्री अब थ्री मींस इट लिस्ट वन विल रिपीट थ्री टाइम्स इसकी कितनी कॉपीज बनेंगी थ्री कॉपीज बनेंगी ओके ओके लिस्ट वन की वन टू एंड थ्री थ्री टाइम्स ये रिपीट करेगा ओके okay, रिपीटिशन होगा ओके okay, ऐसे ही हमने नेक्स्ट एग्जांपल दिया रिपीटिंग अ स्ट्रिंग हमने स्ट्रिंग लिया पाइथन और उसको मल्टीप्लाई कर दिया टू से फाइन और हमने फिर प्रिंट करा दिया स्ट्रिंग को अब देखो फर्स्ट एग्जांपल में हमने लिस्ट को मल्टीप्लाई किया था थ्री से तो यहाँ पे आपकी जो लिस्ट थी टेन ट्वेंटी थर्टी वन वन टाइम टेन ट्वेंटी थर्टी टू एंड टेन ट्वेंटी थर्टी थ्री तो आपके लिस्ट कितने कितनी बार रिपीट हुई है तीन बार क्योंकि आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई विथ थ्री दिया था ओके अब पाइथन में जो स्ट्रिंग दिया था उसमें आपने मल्टीप्लीकेशन के साथ दिया था टू तो ये कितनी बार रिपीट करेगा ये स्ट्रिंग टू टाइम्स रिपीट करेगा तो आप यहाँ पे देखो पाइथन वन टाइम ओके एंड देन पाइथन 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 ये क्या हो गया टू टाइम्स

फाइन अगर आप फोर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी लिस्ट फोर टाइम्स रिपीट होगी अगर आप फाइव से मल्टीप्लाई करोगे आपकी लिस्ट फाइव टाइम्स रिपीट होगी ऐसे ही ये कॉन्टिन्यूसली रिपीट करेगी

मल्टीप्लाई ऑपरेटर यूज रहे हो तो क्या है आप लिस्ट को मल्टीप्लाई करते हो इंटीजर से फाइन यहाँ पे एक ऑपरेंट होगा लिस्ट और दूसरा ऑपरेंट क्या होगा इंटीजर फाइन वी कैन नॉट मल्टीप्लाई वन लिस्ट विद अनदर लिस्ट एज आप एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप दोनों में डिफरेंस देखो कॉन कैटिनेशन का क्या क्या रिक्वायरमेंट है की ऑल द ऑपरेंट शुड बी ऑफ लिस्ट टाइप जितने भी आप ऑपरेंट ले रहे हो वो सारे लिस्ट टाइप होने चाहिए फाइन एंड आपका रिपीटिंग जो आपका मल्टीप्लाई ऑपरेटर है जो आपके लिस्ट को रिपीट करता है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट uh, है की आपका वन ऑपरेंट होना चाहिए लिस्ट और सेकंड ऑपरेंट होना चाहिए इंटीजर जिससे आप मल्टीप्लाई करोगे लिस्ट को फाइन अब यहाँ पे हमने लिया लिस्ट वन वन टू थ्री फोर लिस्ट टू फाइव सिक्स सेवन एट ओके अब हमने थ्री में क्या किया लिस्ट वन प्लस लिस्ट टू को ले लिया फाइन सिंपल आप देखो यहाँ पे लिस्ट वन वन टू थ्री फोर प्लस किया है तो ये इसके साथ ज्वाइन हो गई सेकेंड लिस्ट फाइव सिक्स सेवन एट ओके अब अगर हमने इस यही चीज दोनों लिस्ट को अगर मल्टीप्लाई करने की कोशिश की देखो यहाँ पर तो क्या होगा यहाँ पे आ गई है आपकी एरर टाइप एरर मल्टीप्लाई बाय नॉन इंट ऑफ टाइप लिस्ट तो वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे अगर आपको मल्टीप्लीकेशन करनी है रिपीटेशन करनी है तो आपका एक ऑपरेंट लिस्ट टाइप होना चाहिए दूसरा ऑपरेंट आपका इंटीजर टाइप होना चाहिए लिस्ट टाइप नहीं होना चाहिए फाइन लिस्ट टाइप नहीं होगा एक ऑपरेंट आपका लिस्ट टाइप होगा दूसरा ऑपरेंट आपका इंटीजर टाइप होगा फाइन ओके okay, अब हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है मेंबरशिप टेस्टिंग ओके मेंबरशिप टेस्टिंग मेंबरशिप टेस्टिंग इज एन ऑपरेशन कैरिड आउट टू चेक और टेस्ट वेदर अ पर्टिकुलर एलिमेंट और आइटम इज अ मेंबर ऑफ दैट सीक्वेंस और नॉट बरशिप ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट इन इन ऑपरेटर अब मेंबरशिप टेस्टिंग क्या है मेंबरशिप टेस्टिंग का मीनिंग है आप ये चेक करते हो कि कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट एक सिक्वेंस के अंदर या लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है उसमें प्रेजेंट है लिस्ट में प्रेजेंट है या सीक्वेंस में प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है राइट right? तो पाइथन ऑल्सो अलाउस अस टू चेक फॉर मेंबरशिप ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट इन अ लिस्ट यूजिंग इन ऑपरेटर अ पाइथन किसी भी एलिमेंट का एक्जिस्टेंस लिस्ट के अंदर किसकी हेल्प से चेक करता है इन ऑपरेटर की हेल्प से चेक करेगा मतलब पाइथन कैसे चेक करेगा कि कोई भी एलिमेंट लिस्ट के अंदर है कि नहीं है बाय यूजिंग द इन ऑपरेटर ओके द इन ऑपरेटर चेक्स whether a given element is contained in a list it returns true if the element appears in list otherwise रिटर्न ओके okay? तो अगर एलिमेंट लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा ट्रू और अगर एलिमेंट लिस्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा फॉल्स अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हमने लिस्ट वन लिया पाइथन ओके लिस्ट वन हमने लिया पाइथन ओके okay? अब यहाँ पे देखो यहाँ पे ये यह क्या है सिक्वेंस यहाँ पे लिस्ट वन क्या है पाइथन और यू कैन से दिस इज स्ट्रिंग एक सिक्वेंस है ये ओके दिस इज क्योंकि दिस uh, है? स्ट्रिंग है. स्ट्रिंग, okay? आपकी अगर इंडिविजुअल एलिमेंट्स तो क्या सेपरेट होते हेल्प ऑफ कोमा हमने एक सिक्वेंस को लिया स्ट्रिंग भी क्या है एक सिक्वेंस है तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया प्रिंट वाई इन इन ऑपरेटर का यूज कर मेंबरशिप ऑपरेटर का वाई इन लिस्ट वन ये क्या बोल रहा है कि जो वाई है वो Uh, क्या लिस्ट वन में है अगर प्रेजेंट है तो रिजल्ट क्या आएगा ट्रू तो यहाँ पे वाई प्रेजेंट है तो रिजल्ट आ गया ट्रू अब नेक्स्ट हमने क्या ले लिया कैपिटल वाई कैपिटल वाई इन लिस्ट वन कैपिटल वाई यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्मॉल वाई है तो इसका रिजल्ट क्या आ गया फॉल्स फाइन ऐसी हमने दूसरा एग्जांपल लिया लिस्ट टू टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी ओके हमने प्रिंट कराया फोर्टी इन लिस्ट टू ओके इन ऑपरेटर का यूज किया है मेंबरशिप का हमें जानने के लिए तो 40 हमारा प्रेजेंट है लिस्ट 2 के अंदर तो यहाँ पे आ गया आपका ट्रू नेक्स्ट आपने क्या दे दिया 60 इन लिस्ट 2 60 यहाँ पे देखो इस इस लिस्ट के अंदर 60 तो है ही नहीं फाइन तो अब 60 एग्जिस्ट नहीं करता तो आपका रिजल्ट आ गया फॉल्स फाइन सो इन ऑपरेटर की हेल्प से आप यह पता लगाते हो कि कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है किसी भी लिस्ट के अंदर अंदर करता है मतलब उसके प्रेजेंट है या नहीं इन ऑपरेटर यूज विथ फोर लूप हम इन ऑपरेटर का फोर लूप में भी यूज करते हैं फाइन इन दिस मेथड द मेंबरशिप ऑपरेटर इन कैन बी यूज टू डिस्प्ले द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट थ्रू फोर लूप ओके हम हमने फोर लूप पहले भी किया हुआ है ठीक है आप फोर uh, लुप वाली वीडियो में भी देख सकते हो बहुत ही इजी वे में मैंने इसको समझाया हुआ है तो uh, तो यहाँ पे क्या है इन ऑपरेटर का मेंबरशिप इन ऑपरेटर क्या है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर है उसका हम फोर लूप में भी यूज करते हैं राइट तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं टू डिस्प्ले द नेम ऑफ स्टूडेंट्स हु आर मेंबर्स ऑफ क्लास इलेवेंथ फाइन इलेवेंथ क्लास के स्टूडेंट्स का हमने यहाँ पे हमें क्या करना है हमने क्या प्रोग्राम बनाना है नेम्स डिस्प्ले करने हैं इलेवेंथ क्लास स्टूडेंट्स के फाइन तो हमने एक लिस्ट बनाई यहाँ पे स्टूडेंट इलेवेंथ फाइन नेहा रोहन पूजा पूजा एंड वरुण ओके तो ये यह हमने यहाँ पे ले लिया लिस्ट बना ली नेम्स की स्टूडेंट्स ऑफ इलेवेंथ फाइन अब हमने क्या करना है फोर लूप लगाना है फोर लूप के थ्रू क्या करेंगे हमने यहाँ पे लिया फोर नेम नेम इज द वेरिएबल ठीक है एक वेरिएबल नेम है जो क्या करेगा एक्सेस करेगा ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट वन बाय वन फॉर नेम इन इन स्टूडेंट इलेवें क्या है सिक्वेंस और लिस्ट फाइन फोर नेम इन अब नेम ऑपरेटर क्या, क्या करेगा वन बाय वन इसको एक्सेस करेगा फर्स्ट ये एक्सेस करेगा नेहा को देन ये एक्सेस करेगा रोहन को देन ये एक्सेस करेगा पूजा एंड देन इट विल एक्सेस वरुण एंड नेक्स्ट फर्स्ट ये एक्सेस करेगा नेहा को एंड इट विल गो डाउन यहाँ पे क्या है प्रिंट नेम तो आपका नेहा प्रिंट हो जाएगा फाइन ऐसे ही नेक्स्ट एक्सेस करेगा रोहन को देन इट विल गो डाउन इट विल प्रिंट रोहन देन पूजा देन वरुण तो सिंपली व्हाट वी व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि इन ऑपरेटर का यूज कहाँ पे कर, करते हैं हम फोर लूप के साथ भी यूज करते हैं ठीक है और इन ऑपरेटर क्या है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर है जो जो बताता है कि कोई भी एलिमेंट एक सिक्वेंस में एग्जिस्ट करता है या नहीं रिवर्स ऑफ इन इज नॉट इन नॉट इन ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इफ एलिमेंट डियर इन द लिस्ट अदरवाइज रिटर्न फॉल्स अब इन ऑपरेटर का रिवर्स ऑपरेटर या अपोजिट ऑपरेटर क्या है नॉट इन और नॉट इन ट्रू कब देगा जब एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा सिक्वेंस में या लिस्ट में ओके और एग्जिस्ट करेगा तो क्या देगा ये फॉल्स फाइन अब सिंपल से हम इसको समझ लेते हैं लिस्ट वन हमारी क्या है रेड ग्रीन ब्लू येलो एंड ऑरेंज फाइन तो हमने क्या दिया प्रिंट पिंक नॉट इन लिस्ट वन ओके पिंक क्या है नॉट नॉट इन 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 लिस्ट वन पे हम in की जगह अगर हम ऐसे लिखते पिंक इन लिस्ट वन तो ये पिंक के लिए सर्च करता राइट right? कि क्या आ, आ, ये पिंक लिस्ट वन में एग्जिस्ट करता है इसमें प्रेजेंट है अब ये नॉट इन पिंक क्या है इसके अंदर नहीं है तो यस ये नहीं है तो आपका रिजल्ट क्या आएगा ट्रू नेक्स्ट हमने कह दिया ग्रीन नॉट इन लिस्ट वन ओके क्या कह रहे हैं ग्रीन नहीं है लिस्ट वन में बट ग्रीन है यस ग्रीन इज प्रेजेंट ओके तो यहाँ पे आपका क्या आ गया फॉल्स फाइन ऐसे ही आपका लिस्ट टू आपने ली टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी अब यहाँ पे देखो आपने प्रिंट किया है सिक्सटी नॉट इन Yes, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका रिजल्ट आ गया ट्रू फाइन एंड टेन नॉट इन क्या कह रहा है 10 list के अंदर नहीं है, Fine. Okay. Okay, but 10. तो है तो इसका रिजल्ट क्या आ गया फॉल्स फाइन तो कि नॉट इन क्या है इनका रिवर्स है सिंपल फाइन तो अगर क्या कह रहा है अगर एलिमेंट प्रेजेंट है उसके अंदर तो वो क्या करेगा ट्रू करेगा फाइन देखो सी नॉट इन ऑपरेटर रिटर्न टू सॉरी नॉट इन ऑपरेटर रिटर्न टू ट्रू इफ एलिमेंट एलिमेंट डियर इन द लिस्ट मतलब अगर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो वो ट्रू करेगा और एग्जिस्ट करता है तो वो फॉल्स कर देगा फाइन अब हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है इंडेक्सिंग फाइन इंडेक्सिंग हमने पहले भी किया था इंडेक्सिंग कैसे करते हैं अब एक बार इसका रिपीट रिपीटेशन है ये इन पाइथन एन इंडेक्स इज अ नंबर स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ लिस्ट इंडेक्स क्या होता है एक नंबर होता है जो एलिमेंट की पोजीशन बताता है लिस्ट के अंदर फाइन और मैंने आपको बताया था इंडेक्स वैल्यू आप कहां से स्टार्ट करते हो जीरो से स्टार्ट करते हो राइट इट इनेबल्स एक्सेस टू द इंडिविजुअल एलिमेंट्स इन लिस्ट और इंडेक्स का यूज क्या है हम इसकी हेल्प से एलिमेंट को एक्सेस करते हैं इंडेक्स की हेल्प से हम लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करते हैं इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज इन लिस्ट इज जीरो एंड एलिमेंट इज एन माइनस वन तो ये क्या कह रहा है कि आपका इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होते हैं जीरो वन टू थ्री सो ऑन ओके अगर आपकी टेन एलिमेंट है तो आपकी इंडेक्स वैल्यू लास्ट इंडेक्स वैल्यू क्या होगी टेन माइनस वन दैट इज नाइन फाइन तो ये आपकी जब जीरो से स्टार्ट तो होती है तो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होती है ओके और जब आप एंड ऑफ द लिस्ट से स्टार्ट करते हो इंडेक्सिंग वो आपकी क्या होती है बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती है एंड दैट इज नेगेटिव फाइन अब नेगेटिव इंडेक्सेस आइडेंटिफाई पोजीशंस रिलेटेड टू द एंड ऑफ द लिस्ट नेगेटिव इंडेक्सिंग हम कहां से स्टार्ट करते, है? करते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग हम स्टार्ट करते हैं एंड ऑफ द लिस्ट से फाइन इंडेक्स माइनस आइडेंटिफाइज द लास्ट एलिमेंट

ओके okay, तो अभी कंप्यूटर मेमोरी में कैसे होगी ये हमारी लिस्ट है अब ये हमारी क्या है पॉजिटिव इंडेक्सिंग है जो फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट होती है लास्ट एलिमेंट तक फाइन तो ये कहाँ से स्टार्ट होते है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सो ऑन एंड दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव इंडेक्स ओके अब नेगेटिव इंडेक्स या बैकवर्ड इंडेक्सिंग हम कहाँ से करते हैं हम लास्ट एलिमेंट से करते हैं तो यहाँ पे है देखो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव एंड सो ऑन ठीक है तो आप कहीं से भी इंडेक्सिंग कर सकते हो आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग का भी यूज कर सकते हो आप नेगेटिव इंडेक्सिंग का भी यूज कर सकते हैं टू एक्सेस द लिस्ट एलिमेंट इज एलिमेंट ऑफ द लिस्ट कैन बी एक्सेस थ्रू एक्से इंडेक्सेस एंड क्लोज इन साइड स्क्ट वो क्या कह रहा है कि आप लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो किसकी हेल्प से इंडेक्सेस की हेल्प से फाइन अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिस्ट ली लिस्ट वन ठीक है ये हमने सेम लिस्ट ले ली है ओके okay, इसको प्रिंट करा दिया लिस्ट वन आपकी प्रिंट हो गई अब देखो यहाँ पे आपने क्या किया लिस्ट वन एंड आपने क्या दिया जीरो इंडेक्स जीरो इंडेक्स दिया है तो कौन सा एलिमेंट ये आपका प्रिंट करेगा टेन ओके okay. आप लिस्ट एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हो इंडेक्स वैल्यू की हेल्प से तो लिस्ट वन आपकी वैल्यू नाइन आपकी लिस्ट वैल्यू क्या आ गई लिस्ट का एलिमेंट कौन सा आ गया हंड्रेड अब देखो लिस्ट वन माइनस टेन माइनस टेन पे हमारी वैल्यू क्या है टेन तो यहाँ पे आपका रिजल्ट क्या आ गया टेन लिस्ट वन माइनस फाइव माइनस फाइव पे अब आपकी वैल्यू क्या है सिक्सटी ओके okay? तो आपका रिजल्ट क्या आ गया 60. Now, अब आपका एग्जाम्पल टू है जहां पे हमने एक लिस्ट ली है लिस्ट और उसमें हमने क्या लिए करेक्टर्स हैं ठीक है ओके पी वाई टी एच चू एंड करेक्टर्स अब आपने अब यहाँ पे देखो ये आपकी लिस्ट है और उसकी इंडेक्स वैल्यू है ये पॉजिटिव इंडेक्स है ये नेगेटिव इंडेक्स है आपने लिया माइ लिस्ट माइनस वन तो माइनस वन पे आपका क्या है एन ओके okay, आपका एन है तो आपका एन प्रिंट हो गया माइल माइनस फाइव माइनस फाइव पे आपका क्या है वाई ओके okay? तो आपका वाई प्रिंट हो गया देन एस जीरो इंडेक्स पे क्या है आपका तो प्रिंट हो गया यहाँ पे पी माइलिस फोर फोर आपके इंडेक्स वैल्यू पे क्या है ओ फाइन तो आपका यहाँ पे ओ प्रिंट हो गया सो वी हैव डन दीज ऑपरेशन इन दिस इन दिस वीडियो अब नेक्स्ट वीडियो जो हम करेंगे उसमें हम करेंगे लिस्ट स्लाइसिंग वो थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक है सो आई हैव नॉट कवर्ड दैट टॉपिक इन दिस वीडियो अदरवाइज इट इट वुड बी इट वुड बिकम वेरी लॉन्ग ठीक है तो हम नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे लिस्ट स्लाइसिंग देन वी विल मीट इन आर नेक्स्ट वीडियो ओके थैंक यू